काल के आदि नायक। मेरा नाम उदय भानु सिंह है, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हूँ। आज एक हमारे आपको बताने का आपके जरिए एक बताने की बात है कि हमारे नए चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन संदीप शर्मा जी नियुक्त हुए हैं, इनकी भी आपसे जानकारी और उत्तरू करवाना था। हमारे रिकी डल्होत्रा जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कोविड 2 की सेकेंड वेव जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और प्रशासन ने लॉकडाउन शुरू कर चुके हैं, चाहे वो रात के समय का ही हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में आ रहा है। लॉकडाउन के आने के बाद आर्थिक जो परेशानियां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर आने वाली हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो दिल्ली में बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो क्या कर रही है? आज भी जो माइनिंग का इशू है, जो बजरी जो 1000 की एक ट्राली घर पे पहुंचती है, जिस इंसान ने घर बनाना हो जम्मू में, उसको 4000-5000 की पड़ रही है, 5 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार क्या ले रही है? जो बिजली का खर्चा है, जो बिजली के बिल, गरीब लोगों के घर भी 1-1.5 लाख का बिजली का बिल आ चुका है, वो बिल वो गरीब लोग कहां से देंगे? एक तरफ कोरोना की महामारी, उनकी आर्थिक मंदी, लॉकडाउन 1 के कारण जो बिजनेस खराब हुए लोगों के, लॉकडाउन 2 आ चुका है। आपको यहाँ लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, मदद करने के सिवाय आप उनको और आर्थिक डाल रहे हैं। जैसे बिजली में आप 1-1 लाख के जो बिल हैं वो लोगों को आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पानी की प्रॉब्लम आ रही है, हमारी डिमांड ये है कि आप बिजली का बिल, पानी की जो बिल है वो माफ कीजिए जरूरतमंद लोगों के। कोविड आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा सुविधा जम्मू कश्मीर के लोगों को देने की जरूरत है। आप पैसा कमाने के बारे में ना सोचिए। हम सब जानते हैं जो 1000 की जो रेत है वो 5000 में जो पहुंच रही है, जो 4000 का स्लैब है वो 4000 किस किस में बट रहा है, ये जग जाहिर बात है, हर किसी को ये चीज मालूम है। ये पैसा प्रशासन में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और ये काला धन जो है वो कमाया जा रहा है, इसका बोझ जम्मू के लोगों में पड़ रहा है, ये नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम उदय भानु चीफ है, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हूँ। मेरे साथ संदीप शर्मा जी चीफ स्पोक्स पर्सन यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर है, रिकी डल्होत्रा जी हैं महासचिव यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर। देखिए, कोविड वायरस की सेकंड वेव जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लॉकडाउन 2 शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस समय जब लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो आर्थिक मदद देने की बजाय ये बीजेपी सरकार आर्थिक बोझ डाल रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। सबसे बड़ा इशू है माइनिंग का इशू, जो रेत बजरी किसी को अपना घर बनाना हो, 1000 रुपए की ट्राली जो पड़ती है वो आज 5000 तक लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये 4000 रुपया जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन खा रहा है, सब मिलके खा रहे हैं इस काले धन को। ये बहुत सीधे सीधे जम्मू के लोगों पे पड़ रहा है। बिजली के बिल 1-1.5 लाख रुपए के गरीब लोगों के घर पहुंच रहे हैं, पानी के बिल पहुंच रहे हैं। हमारी डिमांड है कि ये जो गंदा खेल जो बीजेपी खेल रही है आर्थिक बोझ डालने का, इसको वापस लीजिए। हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जो एक्सीएन जम्मू है उनसे मिले और उन्होंने डिमांड की थी कि जो बीपीएल लोग हैं उनको सारा जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।